बहुत लेट हो गया, मुझे ट्यूटोरियल वीडियो के लिए जाना है अभी। काम करता जाता हूँ। Sorry guys for being late. So this is my tutorial number part 2 about backflip. So let's get inside the tutorial without being late. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक है और आप देख रहे हैं अमेजिंग आलोक ट्यूटोरियल चैनल। मेरा प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था बैक फ्लिप कैसे करते हैं, और मैंने कहा था एक बार वो एक्चुअली टेक्निकली वो बैक हैंड स्प्रिंग कहलाता है, नॉट ही बैक फ्लिप। सो ये वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एग्जैक्टली बैक फ्लिप कैसे करते हैं, और आई थिंक मैं बहुत ईजी स्टेप्स आपको बताऊँगा, बहुत ईजी फाउंडेशंस जो आपको चाहिए स्पेशली बिगिनर के लिए बैक फ्लिप सीखने के लिए, जो पहले पहले स्टार्ट कर रहा होगा उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एक बात मैं बोलूँगा, प्लीज़ आप ये वीडियो देखते रहिए एंड तक, और मैं आशा करूँगा कि आप ये बहुत लाइक करेंगे और आप आपका पर्सनालिटी चेंज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो देर किस बात की, चलिए ट्यूटोरियल पर ही चलते हैं डायरेक्टली। चलिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ बैक फ्लिप का। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है बैक फ्लिप का, मुझे लगता है कि ये परफेक्ट लगता है आपको देखने के बाद, लेकिन बहुत टाइम लगा ये करने के लिए, बहुत टाइम लगा। मैंने बहुत टाइम निकाला, 3 महीने लगा, मैं बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली 3 महीने लगा, लेकिन मैंने बहुत समय दिया इसके लिए, इसलिए बहुत जल्द सीख पाया। और किसी भी मूव करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगा स्ट्रेचिंग और वार्म अप के लिए, बिकॉज मेरा जो प्रीवियस ट्यूटोरियल था वैसे ही मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ स्ट्रेच कीजिए किसी भी मूव को अटेम्प्ट करने से पहले, और उनमें से स्प्लिटिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। स्प्लिटिंग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही टाइम लेने वाला मूव है, लेकिन ये आपको करना चाहिए, क्योंकि ये सबका जड़ है, सब मूव्स का जड़ है, सब स्टैंड मूव्स का जड़ है। सो जैसे कि बैक फ्लिप में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो है वेस्ट बेंड, कमर को बेंड करना। कमर को बेंड कीजिए जितना आप चाहे। ये क्या होता है, जैसे कि आपका जो बॉडी है, जो होल बॉडी है वो पूरा फ्लेक्सिबल होता है, और इससे आपको कॉन्फिडेंट मिलता है रोटेशन का। और उसके बाद जंपिंग सेक्शन, जब मैं ऊपर जंप करता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ अपना जो बॉडी है उसको होल्ड करने के लिए, कुछ ही देर के लिए सही, अपना बॉडी को होल्ड कीजिए एयर में, हवा में आपका बॉडी जो है उसको होल्ड कीजिए ऐसे, उसके बाद लैंड कीजिए। ऐसे में क्या होगा, जैसे कि बैक फ्लिप आप करते हो, रोटेशन जस्ट करते हो, टेक ऑफ तो हो जाता है, लेकिन जो रोटेशन पार्ट है उसमें कुछ टाइम लगता है, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका जो बॉडी है वो हवा में कुछ देर के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रुकेगा तो आप रोटेशन नहीं कर पाओगे, आप गिर जाओगे, लैंडिंग सेफ नहीं होगा। तो ये था रोटेशन का जो पार्ट है, और रोटेशन के बाद ट्राई कीजिए बैक फ्लिप करने के लिए। इसमें ये जो मैं कर रहा हूँ अभी 3 और 4 वीक्स के बाद, 4 सप्ताह के बाद ये ट्राई कर रहा हूँ मैं, जो रोटेशन था, जो टेकअप था, वो आप एक सेफ प्लेस में कीजिए, वो बेहतर होगा आपके लिए। आपका जो अटेंशन है प्लीज़ इसमें दीजिए। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं जंप कर रहा हूँ जो इनिशियल टेकअप है, उसके बाद मेरा जो नी है उसको मैं फोल्ड करके चेस्ट पे लगाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और उसके बाद रोटेट करता हूँ मेरे बॉडी को। जब मैं ग्राउंड को देखता हूँ तब मेरा पैर जो है मैं छोड़ देता हूँ। पहले तो मैं स्लो मोशन में दिखाता हूँ, जंप, मैंने टेक ऑफ ले लिया, उसके बाद अपना जो बॉडी है वो उसको हवा में अटका लिया कुछ समय के लिए, उसके बाद ग्राउंड को देख के मेरा जो पैर है उसको रिलीज कर लिया। सो गाइस, बहुत ईजी था ना? यस, मुझे लगता है बहुत ईजी था, लेकिन ये इसमें टाइम लगता है बॉस, बहुत टाइम। कभी भी फ्रस्ट्रेट मत होना जबकि आप प्रैक्टिस करते हो।
प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, देखोगे आप जब एक बैक फ्लिप कर लोगे ना तो आप खुद को भी बिलीव नहीं कर पाओगे, यार मैंने ये कर लिया, लगा था मुझे और भी बहुत टाइम लगेगा सीखने के लिए, लेकिन नहीं। जो लोग जी जान से प्रैक्टिस करते हैं, जो लोगों के अंदर वो जज्बा है नहीं मैं ये करूँगा, वो लोग बहुत जल्द कर पाते हैं किसी भी मूव को। इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है फ्रेंड, बस आपको जी जान लगा कि कुछ करना पड़ेगा, आपका जो जिगर है, जो जोश है, जो जज्बा है वो दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। धन्यवाद दोस्तों मेरा ट्यूटोरियल देखने के लिए, मैं आपके पास शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप हमेशा मेरा ट्यूटोरियल देखते हैं, और मुझे आशा है कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे इस ट्यूटोरियल में। तो इस ट्यूटोरियल के माध्यम से मैं बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ, जो लोग अपने पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए चाहते हैं, कुछ नया मूव सीखने के लिए चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। और एक बात, जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरा जो अपकमिंग वीडियोस है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। सो प्लीज़ 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 एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से आप सबको कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो, अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो बहुत इम्पैक्टिव था, तो प्लीज़ एक बड़ा थम्स अप दे दीजिए नीचे। दैट्स ऑल, वही सब मैं चाहता हूँ, प्यार, लाइकिंग, लव एंड रिस्पेक्ट। सो प्लीज़ और एक बार धन्यवाद आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए। सो ये लाता है मुझे ट्यूटोरियल के एंड तक, मैं आऊँगा फिर और एक ट्यूटोरियल लेके और एक मूव लेके। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, आई विल सी यू लेटर।